तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे गिरा? ऊपर से? हाँ, ऊपर के किसी फ्लोर से गिरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ ना कि तुम्हारा अंडरवेयर किसी और के घर से कैसे गिर सकता है। अरे पूरी बिल्डिंग में मैं ही थोड़ी ना कच्चे पहनता हूँ, इस ब्रांड के कोई और भी तो पहन सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सारे अंडरवेयर पे धागे से स्टार बना देती हूँ। क्या? हाँ ये देखो, ये रहा। सारी कलाकारी कच्चे भी दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये ऊपर से कैसे गिरा। मुझे क्या पता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, बाप की बरसी याद रहती है, पति का कच्चे का पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे। बाप की बरसी? हाँ? किसके बाप की बरसी? तुम्हारे होती तो याद रहती ना, बच्चों से खेलना है, बच्चों से खेलना है, कच्चे कहाँ कहाँ खेल रहे तुम्हें पता कुछ नहीं, बच्चों से खेलना है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? मैडम मैडम, मेरे साहब का अंडरवेयर गिरा था। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के साहब का है। नहीं, वो मेरे साहब का है। अरे मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी। हाँ तुम अपने साहब का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? रोज तो मैं ही उतारती है। क्या? हाँ मंजे धो के सुखाएगी तो उतारेगी भी तो मैं ही ना। आज भी मैं ही उतार रही थी, तब इस पर लेते ना दो। मैंने कहा ना तुमसे, वो मेरे पति का। तुम उधर मुँह करके क्या खड़े हो, बताओ इसे ये अंडरवेयर किसका है? अरे बताओ इसे। साहिब? क्या साहिब, मेरा ही तो है। हाँ, आपका ही तो है। हाँ तो मेरा है तो मैंने ले लिया ना, अब जाओ यहाँ से। पर आप कभी? कभी क्या, मैं रोज पहनता हूँ, कभी देखा मुझे बिना अंडरवेयर के? देवा? देवा क्या, मेरा अंडरवेयर मैंने लेवा, चलो यहाँ से, चलो चलो। आसर कसो सालो, कबाई। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया, जाओ मेरे लिए कप कॉफी लेके आओ, जाओ ना। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने मेरे कच्चे का इतना ख्याल रखा। राम भाई साहब आए तो उनको मेरा कच्चा बोलिएगा, हेलो बोलिएगा। कॉफी नहीं? अच्छा बना लिए, चलिए मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ। बेवकूफ भाई, ये अपने साहब का कच्चा नहीं पहचानती? भाई ही तो है, बीवी थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे आया। अब जैसे ऊपर से यहाँ गिरा, ऐसे किस दिन यहाँ से नीचे गिर गया होगा, और ये बेवकूफ भाई अपने साहब का समझ के ऊपर ले गई, फिर किस दिन ये नीचे गिरेगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, ये लाइफ है ऐसे। और ये सब मत समझो तुम, ये समझो, ये देखो करवा चौथ, हैव यू डिस्काउंट? वाओ डिस्काउंट, फिर तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे ना? डेफिनेटली। ऑसम, मैं वहां से तुम्हारे लिए 4 नए अंडरवेयर ले लूंगी। पक्का? अब ये फेंक दो, पता नहीं किस किस ने पहना होगा। जी किशन, जूही तुम यहाँ? मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे टाइम मिल गया मॉल घूमने का? टाइम कहाँ मिला, मैं तो बॉस के साथ आया हुआ था यहाँ काम से। वाइफ के लिए टाइम नहीं है, बॉस के साथ मॉल घूम रहे हो, चलो मेरे साथ शॉपिंग करो। इस तरफ नहीं, इस तरफ चलते। उधर क्यों? वो इस तरफ बॉस है, वो देखेगा तो खम का गुस्सा करेगा ना। बॉस या बीवी जो गुस्सा करेगा? अरे आजकल के बॉस अपने आप को बीवी से कम थोड़ी ना समझते, डार्लिंग। चलो हम लोग वहाँ चल के शॉपिंग करते, वहाँ हमें किसी के बाप का डर नहीं। आपके ऑफिस वाले पीछा छोड़े तब ना, ला मेरी बात कराओ, मैं बताती हूँ। काट दिया बाबा, ये फोन क्यों काट रहे हैं? ये देखो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, चेक करो, चलो चलो गो 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 गो। एक्सक्यूज मी, आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। बोलिए। एक्चुअली मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों पे किस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों पे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट एक बात याद रखिएगा कि मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए। पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास, सिर्फ चीज अच्छी होनी चाहिए। एक मिनट, आप वहाँ पे देखिए, वो बच्चों के लिए बेस्ट ब्रांड है। मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, अपना सारा काम कैश में चलता है। मुझे लगता है आप ठीक से सुन नहीं पा रहे। सुनने के लिए तो तरस रहा हूँ, बच्चे की किलकारी उसी की तैयारी में लगाऊं। आप मेरी बात, एक मिनट मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो आपकी मदद कर देंगे। हाँ आप देखिए, सुनो। हाँ हो गया तुम्हारा, चले। प्लीज प्लीज उनकी हेल्प कर दो ना यार, मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तुम बाहर का काम पकड़ा देती हो। 2 मिनट लगेंगे, प्लीज हेल्प। ओके थैंक यू। जी भाई साहब कमाल है, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। चलो चलो डालिए सारा सेकंड हैंड सामान, चलो 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 चलो, दो दिन नहीं चलेगा। ये लीजिए गुलाबचंद जी, एक बार चेक कर लीजिए। कैसा दिख रहा है? शॉपिंग करा रहे हो, जॉगिंग करा रहे हो? साफ साफ दिखाई दे रहा है, सांप दिखाई दे रहा है।
अरे पापा बॉस देख लेगा तो फिर वही चक्कर ना। ओ तेरी, ये इधर क्या हुआ? मैं पानी पी गया। ओके अरे अच्छा तो ये है इनके बॉस। ये अभी जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड? अपनी बीवी को शॉपिंग करवाने लाए थे। आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम खुश रहो बेटा। कैसे खुश रहे? दो दो दिन तक घर नहीं आते आपके चक्कर में। मेरे चक्कर? एक इंसान को चार चार ऑफिस दे रखे संभालने को, ऊपर से बॉल भी घुमाने ले आते हैं। मैं कम? आपको अपनी बीवी के साथ आना चाहिए शॉपिंग करने, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं। आर यू गे? चलिए बेटी है मेरी। फ्रॉड, ऑलरेडी शादी कर चुका है और मेरी बेटी से भी दूसरी शादी करना चाहता है। सॉरी बहन जी। बहन जी? अंजलि बहन जी, कहाँ थी तुम? मैं कहाँ थी, तुम कहाँ चले गए थे? अरे कब से फोन पे फोन किए जा रही, मैं कट पे काटे जा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम ट्रॉली लेने गए थे ना? वो ट्रैक्टर मिल गया, मेरा बॉस मिल गया ना ऊपर, दिमाग खा लिया उसने मेरा। तुम्हारा बॉस? हाँ। वो यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? हाँ। क्या? और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया ना तो दोबारा ऑफिस ले जाएगा, यहाँ से फटाफट निकलो। अरे तुम शॉपिंग करवा रहे हो या भगा रहे हो? अरे डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, मर गए। ये मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये है तुम्हारे बॉस, इन्होंने जीना हराम कर रखा है हमारा, अभी ठीक करती हूँ। ये अभी अभी तुमसे जो बात कर रहा था वो कौन था? मेरे हस्बैंड थे। आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली है। तुम्हें पता है उसकी दो नहीं चार ऑफिस संभाल रखे हैं आपके, आपकी वजह से उन्हें मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता है। घर में झूला आया है लेकिन बच्चा नहीं आया अभी तक। झूला? बच्चा? अरे मैं तो होंगे आप उनके बॉस, लेकिन मैं बीवी हूँ उनकी। अभी से बता रही हूँ, कल करवा चौथ है, चांद निकलने से पहले उन्हें घर नहीं भेजा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। हाँ चलो हटो। पहली को पता नहीं है कि दूसरी ऑलरेडी रखी हुई है, और दूसरी को पता नहीं है कि पहली ऑलरेडी पहले से ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। तुम सरप्राइज बहुत देते हो। अब जो मिलेगा वही दूंगा ना डार्लिंग। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया। How's this? ये मेरा साइज है। साइज किसी ना किसी को तो आ ही जाएगा। कलर देखो बेबी, कलर। How's the color? ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखा दी मैंने क्या सिलेक्ट किया है। कम नो। तुम यही ठहरो, मैं अभी आई। खींचा मतलब क्या? हाँ यहाँ तो मेरे हस्बैंड खड़े थे। तो वो तुम्हारा भी हस्बैंड है? तुम्हारा भी मतलब? एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए सर आपको? ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, बाहर चलिए। तीन तीन बीवियों, ऐसे लड़के से शादी करने से बेहतर है भले ही मेरी बेटी जिंदगी भर कमारी रह जाए। कहाँ गया ये? मेरे हाथ में आ जा तो जेल में मनवाता हूँ तेरा करवा चौथ। नहीं नहीं मैं हेल्प यू मैम। या प्लीज, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चौथी बीवी, वो भी बच्चे के साथ। केक काटेंगे। रुक 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 रुक, ये भी तेरी बीवी है ना? एक्सक्यूज मी, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये तो मेरी बस हेल्प कर रहे हैं। अरे आपको सच नहीं बोलना था आपको, वो तीनों लड़कियों की तरह झूठ बोलना था, जैसे उन तीनों लड़कियों ने झूठ बोला मेरे साथ मिलके और इनको अप्रैल फूल बनाया। आपने सारा काम खराब कर दिया बहन जी, आपको छोड़ देता हूँ, अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। करण बाहर देखना कौन है। Okay.
सिमरन और चूही। क्या? तेरी दोनों बीवियां तीसरी से मिलने आई हुई है। वो इससे क्यों मिलने आई? मुझे क्या पता। दरवाजा खोलो ना, कोई बेल बजा रहा है। बच्चे हैं डार्लिंग, बेल बजा बजा के भाग रहे। बच्चे नहीं, मेरी फ्रेंड्स होंगी, उनको भी बुलाया मैंने। मैं देखती हूँ। फ्रेंड्स? ये कब से फ्रेंड्स हो गई? मर गए। एक्चुअली हाय हाय जूही, हाय सिमरन। हैप्पी बर्थडे। कोई नहीं, वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। तुम दोनों के हस्बैंड नहीं आए? मेरे हस्बैंड तो नाइट ड्यूटी में फंसे हुए हैं। ओ, मेरे भी आज लकीली मेरे घर पे हैं, मेरी ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे अच्छा। कम ना, अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। लेट्स गो। मैं नीचे कूद रहा हूँ, फिर पागल है क्या, मर जाएगा। आई जस्ट गॉट लकी। ये तुमने? मैं सब बताता हूँ, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी और मेरा भी। भाई तुमने सबका केक खराब कर दिया, और तेरा चेहरा भी पहचान मेरी आ रहा बिल्कुल भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अभी केक खाया ना तो मोमबत्ती अंदर कुछ गई, अंदर जाके जल रही है, बुझ रही है, आवाज निकल ही नहीं है। लेकिन तुमने केक में मुंह डाला ही क्यों? तुम्हारा बने तब तुम्हारे मुंह पे केक लगाते, मैंने सोचा मैं अपना मुंह खराब कर लेता हूँ। तुम भी ना जाओ, जल्दी से मुंह धोकर आओ, फिर इन दोनों से मिलवाती हूँ। हाँ, तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे का केक है। ऐसे ही रहूंगा सारा दिन, ऐसे मिल लेता हूँ फ्रेंड्स को। हेलो चिमनन, हेलो जुई। हाय, हेलो। एक मिनट, तुमको इनके नाम कैसे पता? भाभी, अभी तो दरवाजे पे आपने नाम लिया था। केक मुंह में घुसा है, कान में तो नहीं घुसा है। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भाभी, मैं वकील हूँ ना, वो लीगल मैटर सारे मैं ही देखता हूँ। भाभी, ये मेरी भाभी है, और भाभी और मेरी भाभी है, इस बिल्डिंग में सब मेरी भाभी है, मेरी 32 भाभी और 30 भाई साहब है। दो भाई साहब कम क्यों? भाभी है तो एक्स्ट्रा है ना। ये तुम मेरी बीबी का मंडे बनाने आए कि तुम भैया भाभी गिने आए? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जानू, कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। सुपर आइडिया, इस बर्थडे पे मैं भी अपने भाभी के साथ ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगी। क्यों खिंचवा लूं, मैंने मना किए आपके साथ? हां, केक लगने के बाद सबके पति एक जैसे दिखते हैं। माय गॉड, योर हस्बैंड इज सो फनी। आई थिंक हम सबको एक फोटो चाहिए। लेट्स टेक अ सेल्फी। चलो ना, आइए। ये भाभी और भाभी, कम कम, ये फोटो मैं कल क्लब के फंक्शन में सबको दिखाऊंगी। स्माइल। हां, click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.